अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। नहीं, ये जो रोटेशन के बारे में आपको बता रहा था, तो फाइनली ये पिन का भी आप भाई पूछ रहे थे कमेंट्स में कि ये पिन की दूसरी साइड पुश होगा तो फिटिंग कैसे होगी, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इसका टॉप चेक कर लें आप। ये टॉप इसका तकरीबन आधा mm यहाँ पर दिख रहा है, बाहर आ रहा है। वैसे 1 mm तकरीबन बाहर आ रहा है इसका पिस्टन, क्योंकि अभी सिलेंडर इसका टाइट नहीं है। तो हम अभी सबसे पहले इसको टॉप करके इसका निशान लगा लेते हैं कि कितना बाहर आ रहा है। हेड बिल्कुल जेन्यन है, इसमें कैम जेन्यन है, वाल्व जेन्यन। तो सबसे पहले हमने रिंग्स चेक कर लेनी है, रिंग्स में गैप चेक करना है। आप बेशक बोर कराएं, पुराना हो सिलेंडर नया हो, रिंग्स आप लाजमी चेक किया करें, क्योंकि रिंग्स चेक करने से ये होता है गैप का पता चलता है। कहीं पर गैप नहीं होता रिंग के अंदर, जिसकी वजह से पिस्टन सीज कर जाता है। ठीक है हमारी, तो जल्दी से हम रिंग्स को बिठा लेते हैं। तो इनके जो रिंगों के मुंह होते हैं, एक तो ये होती है ब्लैक कलर की जो ऑयल रिंग होती है, तो इसके ऊपर जो लिखाई हुई होती है, कुछ भी लिखा हो, एन लिखा हो, जेड लिखा हो, या कंपनी का नाम लिखा हो, उसको हमेशा टॉप की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि टॉप की तरफ उसकी जो बनावट होती है रिंग की, वो बनी इस तरह से होती है। अगर आप रिंग उल्टी डाल देते हैं तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं चलती, और कई बार तो स्टार्टिंग के साथ ही धुआं मारना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों का खास
गैसकेट की बात करते हैं तो हमने गैसकेट इसमें यूज़ नहीं करनी, आपने इसका जो फेस है बिल्कुल साफ़ कर लेना है ताकि इस पे कोई भी ऑयल ना हो, कोई भी मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि ऑयल होगा तो आपकी लीकेज रहेगी लाजमी। तो सबसे बड़ी बात, ऑयल नहीं होना चाहिए आपका किसी भी फेस सर्विस के ऊपर, ना सिलेंडर के फेस के ऊपर और ना ही हेड के फेस के ऊपर। तो जो सिलिकॉन आपने लगानी है वो भी